हाय दोस्तों, कैसे हैं? आपके सामने वापस इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों पे लेके आया हूँ। आज 7 जनवरी है और आप देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक बार अपसाइड दिखा करके, ऊपर साइड दिखा करके फिर न्यूट्रल वे में क्लोजिंग किया और नीचे की ओर दिखाया। बट अल्टीमेटली दोनों में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, लेकिन घुमा बहुत रहा है। जाना इसको ऊपर है, लेकिन घुमा घुमा के लेके जाएगा आपको ऊपर। तो आप देखिए, आज के देखेंगे 10,771 पे क्लोजिंग दिया, 44 पॉइंट अप होकर के। एडवांसेस 31 है और डिक्लाइन 19 है। इससे क्या समझ में आता है? एडवांसेस ज़्यादा मजबूत है और डिक्लाइन कम है, तो मतलब मजबूती की ओर ज़्यादा है। एडवांसेस में कौन कौन रहे आज? एक्सिस बैंक, इंफ्राटेल, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में बाइंग रिकमेंडेशन है और लॉन्ग टर्म के लिए है। अब टाटा मोटर्स में वापस नमूरा वगैरह बहुत सारे लोग आ गए बाइंग रिकमेंडेशन देने के लिए, और इसका जो था जगुआर का बिजनेस, उसमें ग्रोथ आया है, तो वापस पोजीशनिंग चालू हो गई, तो ऐसे बाई कर सकते हैं। ग्रासिम, मारुति, ये सब अप रहे। और जो लूजर थे, इंडियाबुल्स हाउसिंग, बजाज ऑटो, यस बैंक। यस बैंक आज लूजर में रहा, और डॉक्टर रेड्डी और आयशर मोटर। आयशर मोटर ने अपने एक क्रुशियल लेवल को तोड़ तो दिया है, तो आयशर मोटर जो है वो ये अच्छा खासा 800 के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, तो थोड़ा सा एक हिम्मत है। बट ये मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ से आपको पॉजिटिविटी आइसर मोटर में देखने को मिलेगी। आइसर मोटर के पोजीशन को हम देख लेंगे आगे। मुझे लगता है कि अब आइसर मोटर में आपको निगेटिव ही पोजीशन मिलेगी। पॉजिटिव पोजीशन से भी इनकार लगता है कि प्रॉब्लम आएगा आइसर मोटर में भी। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो आइसर, अब ये देखिए, ये कल कल जिस बात से मुझे डर था कि कल तक मैं आपको जो भी दे रहा था यहाँ पे कि सपोर्ट नहीं बना था, कॉल पे राइट शॉर्टिंग हो रहा था, सेल किया जा रहा था, अब कॉल पे बाइंग बन गया, पुट पे बाइंग बन गया, सॉरी, पुट को शॉर्ट किया। ये पुट होता है, ये कॉल होता है। 19,828 है, 19,500, 19 एट द मनी देख लीजिए, 19,500 पे देखते हैं। तो अभी कॉल को राइट किया जा रहा है, अब उल्टा कॉल को राइट होना चालू हो गया और पुट पे आपको बाइंग चालू हो गया, और पुट 18,000 18,500 की बाइंग चालू है। इसके लिए अब आयशर मोटर में एक बार मुझे लगता है ये अभी इतना स्पीड में तो नहीं उठेगा। मेरे अंदाज से आयशर मोटर में पुट में जो देखिए डाटा, ये तो बता रहा है कि अभी पुट की ओर जा रहा है, और पुट की ओर पोजीशन बनना तो चालू हो गया है। और 22,000 और ये क्लोज 22,000 लेवल जा, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 50,000। अब ये इसको क्रॉस करना 22,000 भी डिफिकल्ट दिखता है। तो आइसर मोटर अब पुट की ओर पोजीशन बना रहा है, लेकिन हाँ 17,500 पे शॉर्टिंग अभी भी कंटिन्यू है, 17,500 पे शॉर्ट हो रहा है। तो 17,500 को छोड़ दे तो 17,000 और 17,500 को छोड़ दे तो 18,000 पे 2,225 की कॉल राइटिंग हुई है आइसर मोटर में। तो आइसर मोटर में पुट की ओर पोजीशन बना करके भी देखा जा सकता है, बट रिस्की है अभी। लेकिन पेपर तो बोलता है कि अभी पुट की ओर पोजीशन नीचे जाएगा ये, और एक बार जो लेवल ये बता रहा है आइसर मोटर, वो हो सकता है 18,000 पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, तो 18,000 के लेवल को दिखा सकता है ये, और वो नीचे जाएगा तो 16,500 तक भी जा सकता है आइसर मोटर में। ठीक है, अगर हम एक बार एडवांस देखें, बाइंग देखें, तो FII ने आज 157 करोड़ की बाइंग की है और सेलिंग की है, और DII ने 240 करोड़ की बाइंग की है। FII ने वापस 157 पे सेल की है और DII ने बाइंग करी है, तो DII इसलिए न्यूट्रल होकर के बाइंग करके रखा है। अगर बैन में कहें तो आज जो फ्यूचर के शेयर जो बैन में है वो अदानी पावर और जेट एयरवेज, ये दोनों 8 जनवरी मैंने कल के लिए भी ये दोनों बैन में रहेंगे शेयर। कल आप फ्यूचर इसमें ट्रेड नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर में बैन है ये। और अगर मैं आपको इंडेक्स की बात करूं तो नेक्स्ट 50 निगेटिव में है, सारे इंडेक्स ग्रीन में है। यहाँ पे भी आप सेक्टर देखें, सारे सेक्टर ग्रीन में। निफ्टी मेटल निगेटिव है, लास्ट मोमेंट में हुआ। फार्मा निगेटिव में है, PSU बैंक निगेटिव में है, और सबसे ज़्यादा गेनर IT सेक्टर। IT सेक्टर, रियलिटी सेक्टर वापस बूम कर रहे हैं। IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा गेन आपको देखने को मिला, और उसमें माइंडट्री और NIT टेक और इन्फोसिस बहुत सॉलिड अच्छा काम कर रहा है, अभी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। इन्फोसिस में अभी भी बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है, 671 की इसकी लास्ट ट्रेड प्राइस क्लोजिंग है। और सबसे ज़्यादा जो टाटा एलेक्सी लूजर है, 974 है,
रिजल्ट कल आने वाला है, शायद ये और भी कल आपको टूटते हुए दिखाई दे आपको, क्योंकि बहुत दिन से फॉल पे पड़ा हुआ है। अपन 1400 से टूट करके ये 922 तक लो बनाया था और अभी भी ये ऊपर नहीं उठ रहा है, तो हो सकता है कि टाटा एल्क्सी में आपको वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। इन्फीबीम में सेलिंग प्रेशर था, ओफेसेस में था, विप्रो में था, तो आप टाटा एल्क्सी को सेल कर सकते हैं, इन्फोसिस को बाय कर सकते हैं, इन्फोसिस में अभी भी आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा भी। तो फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें कोई पोजिशन, ये सारे एजुकेशन पर्पज से आपको दिया जाता है। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो निफ्टी बैंक में सबसे अच्छा किया एक्सिस बैंक ने, 17 पॉइंट लिया 2.87 के साथ, और आईडीएफसी बैंक को यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। इसका टारगेट आपको 70, अब 4 से 5 महीने में आपको 70 तक यहाँ से जा सकता है, डबल जा सकता है, हो सकता है यहाँ से जो अपने हाई बनाया था 70 का, वो उसको टच करने की कैपेसिटी रख सकता है। आईसीआईसी बैंक अपने हाई पे ही चल रहा है, ये अच्छा है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको पहले ही बताया 170 के टारगेट के लिए आप इसको बाई कर सकते हैं, पोजिशनल बाइंग कर सकते हैं आप। कोटक बैंक में सेलिंग चल रहा है, फेडरल में सेलिंग चल रहा है, एसबीआई भी अभी देखिए 200 छियान 300 300 पे स्ट्रगल कर रहा है, 300 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ये पीएनबी में बाइंग कर सकते हैं, अगर ये वापस आपको 70 75 पे मिलता है बहुत अच्छी बाइंग होगी, यहाँ से वापस आपको 100 120 जाते देर नहीं लगेगा। यस बैंक पे जितना नीचे जाता है आप इसको बाइंग कर सकते हैं, 165 70 पे जाता तो वापस आप यस बैंक में बाइंग रख सकते हैं। आज सबसे बड़ा लूजर यस बैंक ही रहा था। बैंक में देखेंगे तो एडवांसेस 7 है, डिक्लाइन 5 है, तो न्यूट्रल पोजीशन बैंक में बना रहा, फिर भी एडवांस की ओर ज़्यादा सब दिखता है कि एडवांस की ओर ज़्यादा है। ऑटो सेक्टर में कहें तो ऑटो सेक्टर में देखेंगे तो टाटा मोटर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, टाटा मोटर डीवीआर भी करेगा, अमर राजा बैटरी, मारुति अच्छा 141 पॉइंट के साथ किया है, 7376, तो 7600 तक यहाँ पे आपको 7500 पे देखने 7500 तक देखने को मिल सकता है। एमआरएफ 396, एमआरएफ भी अच्छा खासा टूटा हुआ भी, और हो सकता है ये और थोड़ा भी टूटते हुए आपको दिखाए, हो सकता है कि एक बार एमआरएफ आपको यहाँ से 60,000 का भी भाव आपको देखने मिले तो कोई वापस बड़ी बात नहीं है। हीरो मोटर कॉर्प और सबसे ज़्यादा लूजर जो थे अशोक लेलैंड, आपको बताया 80 85 तक का ये सपोर्ट आपको ले सकता है, वहाँ तक दिखा सकता है आपको। बजाज ऑटो में भी गिरावट अच्छी खासी है, भारत फोर्ज में अभी सीएलसी ने इसको निगेटिव इसको टारगेट दिया है और इस पे सेल का रिकमेंडेशन दिया भारत फोर्ज पे। अपोलो टायर्स ये सब है। अगर मैं पीएसयू बैंक की बात करूँ, एक बार पीएसयू बैंक देख ले, बहुत दिन से पीएसयू बैंक में चर्चा हो रही थी बाइंग के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा कर रहा है, विजया बैंक अच्छा कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक, करारा बैंक, सेंट्रल बैंक, ओरिएंटल बैंक, ये सब सब तोड़ तोड़ के टूट के नीचे हुए। सबसे ज्यादा बैंक ऑफ इंडिया टूटा हुआ पीएसयू सेक्टर में। तो ये तो सेक्टरल इंडेक्स की बात हो गई और इंडिविजुअल की भी बात हो गई। एफएमसीजी भी एक बार देख लेते हैं। एफएमसीजी में मेरे को अच्छा कर रहा है यूनाइटेड ब्रिवरीज, ये तो ओवरग्रीन है, अब लेके इसको पोर्टफोलियो में छोड़ दीजिए। ब्रिटानिया अच्छा कर रहा है, जुबिलेंट फूड अच्छा है, और गोदरेज इंडस्ट्रीज को आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। गोदरेज इंडस्ट्री भी एक बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो ये लूजर आज का सबसे बड़ा लूजर है, तो वापस ये आपको अगर नीचे की ओर मिलती है 500 500 के आसपास मिलती है तो आपको इसको बाय करना चाहिए और इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। गोदरेज, सीपी, कोलगेट पामोलिव, इमामी, ये सब आज के लूजर थे। बाकी एफएमसीजी सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर होता है, मेरे को एक अच्छा फाइनेंशियल कंपनी दिखता है और यूबीएल एक अच्छा कंपनी दिखता है यहाँ पे। तो आप टाटा ग्लोबल भी को भी रख सकते हैं, लेकिन टाटा के सारे कंपनियों में अभी गिरावट देखने को मिल रही है, फिर भी चलिए अभी गिरावट का दौर है तो इसलिए हो सकता है। आईटीसी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो कल के लिए क्या होगा, कल के क्या करना है? आप, मैं इसके आवर्ली चार्ट को देख रहा था, तो ये जब हाई लगाया आजकल, आज 7 तारीख को जब ये हाई लगाया उसके बाद देखे तो एक लोअर 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 लो कर रहा था, लेकिन एक क्रुशियल 735 के लेवल को नहीं तोड़ रहा था। अब देखिए तो खेल रहा है, ये अप जाता है, ये लो से, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से अप का पैटर्न बनाता है और फिर लोअर लो लो घुमा रहा है, फिर ये कल अप जाएगा। तो मेरे अंदाज से पोजीशन तो अप की ओर ही होगा, अभी नीचे की ओर अभी तो होना नहीं है इसको, और ऊपर की ओर भी बहुत ज़्यादा पता नहीं 10851 तोड़ता है तो फिर आपको आगे देखने को मिलेगा। तो अगर डेली बेसिस में मैं बात करूँ तो मुझे तो अपसाइड दिखता है और मुझे लगता है 1 से 2 दिन में
या बाय एंड ऑफ दिस वीक आपको ये 10,859, 10,860, 900 का लेवल, 10,900 तक के लेवल को टच कर सकता है। अब ये घुमा, अब देखिए ये पैटर्न कैसे फॉलो कर रहा था, ये ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे आया, ऐसा नहीं है कि ये एक साथ, तो ये भी ऊपर ही जाएगा, आना भी होगा, तो यहाँ पे 10,911 से रिटर्न आएगा। अभी ये रिटर्न आने वाला नहीं है, घुमाना है इसको, घुमाते रहने दीजिए। अगर मैं इंडिसेस की बात करूँ तो इंडिसेस भी घुमा ही रहा है, देखिए आज के इंडिसेस भी देखिए डॉ भी 38.3 पॉइंट घुमा रहा है। मैं एसजीएक्स निफ्टी की भी बात करूँ तो करंट, अभी करंट बात करो, एसजीएक्स निफ्टी की बात करो तो ये भी घुमा ही रहा है 10,827, 10,840 पॉइंट, 45 पॉइंट करके, तो यहाँ पर भी आपको घुमा ही रहा है, लेकिन ये अप करके धीरे 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 ये ऊपर की ओर ले जाएगा। मुझे लगता है कि अब ट्रेंड को फॉलो करेगा और इस ट्रेंड को होल फॉलो करेगा। अगर मेरे से पूछे तो कल मुझे लगता है कि ये किस कल आपको 10,800, यहाँ आज की क्लोजिंग जो हुई है, आज आज का ओपन हुआ था 10,806 पे, हाई बनाता है ऊपर जाके 835 का, फिर लो बनाता है 750 का, और फिर ऊपर जाता है 771 पे। तो अब देखिए 735 के लेवल को कहीं टच नहीं करता है ये, तो 735 जाने को इच्छा नहीं है इसको, और मुझे लगता है कि कल आपको जो इस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए उसको, कि कल वो आपको वापस 10,800, 10,820 या कल 893 इसी रेंज में रहेगा आपको, 10 कल 10,820, 817, 820 से लेके 893, 900 के बीच में कल आपको यहाँ से एक जंप लेके फिर यहाँ पे खेलते रहेगा, यहाँ पे इस और में यहाँ पे खेलेगा कहीं। तो इस कैंडल को हो सकता है वो फॉलो करो, 10,806 ओपन हुआ था यहाँ पे, ये हुआ था आपको देखेंगे, ये कैंडल 28 दिसंबर का था, उसको कैंडल को फॉलो कर सकता है वो, 10,820 का ओपन हुआ था, 893 बनाया था, सेम यहाँ पे भी आप यहाँ पे देखिएगा, उसके पहले 27 दिसंबर को तो यही काम हुआ था, ओपन हुआ था 817, हाई बनाया था 834, लो बनाया 764 और ऊपर जाके 779 का क्लोज दिया था। इसी कैंडल को ये कैंडल फॉलो किया है और कल जो फॉलो करेगा 50% से ऊपर की गारंटी है यही फॉलो करेगा। कल आपको 10,806 के आसपास ओपन दिखाएगा, 835, 840 के आसपास अब जाएगा, फिर वहां से आपको नीचे लेके जाएगा 10,750, फिर आप डर जाएंगे कि नहीं तो कि मार्केट तो नीचे गया, लेकिन 10,735 नहीं तोड़ेगा और वापस ये ऊपर की ओर ले जा करके क्लोजिंग कहीं पे दे देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 779, 771 इससे लो क्लोजिंग यहाँ पे जो दिया था, तो हो सकता है 10,817, 819 यहाँ पे क्या किया था, तो उसके दूसरे दिन 10,820 से ओपन किया था और फिर वहां से एक लंबा जंप मारा था 893 का, और फिर वहां से 900 पे जाकर के 817 पे लो लेवल बनाया था और फिर ऊपर में जाकर के 860 पे क्लोजिंग दिया था। तो कल आपको हो सकता है कि कल भी आपको 20 70 से 75 पॉइंट का खेल दिखाएगा ऊपर मिड बीच करके, और दोनों वाले तो 40 पॉइंट ऊपर 40 पॉइंट नीचे ऐसा ही दिखा सकता है वो आपको। तो ऊपर पहले जाएगा और हो सकता है कि आपको 835, 893, 900 को टच करेगा, वहां से फिर नीचे आ जाएगा। अगर मैं बोलूं तो ये वाला पैटर्न जो है, ये वाला इसको कल वापस अप टच करेगा, अप करने के बाद हो सकता है कि वो इस लेवल को भी टच करेगा, तो 10,880 यहाँ तक जाएगा, 880, 890 यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे लेगा। तो अल्टीमेटली अभी जो है पॉजिटिव है निफ्टी में, 50 में, सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी में भी लगता है ये वापस वही काम कर रहा है, 27,296 को अगर मैं देखूँ तो वापस वैसे ही, आप देखिए इसलिए मिडिल लेवल को 27,200 जब तक नहीं तोड़िए, 27 ये जो मिड लेवल है 26,900 का है, तो ये तोड़ता नहीं है तब तक तो कोई इशू नहीं है, और आवरली बेसिस पे देखें तो आवरली बेसिस पे ये बनता है 27,200 का, तो 27,200 को तोड़ेगा नहीं ये और ऊपर ऐसे घूमते खेलते रहेगा, तो ऐसे ही पैटर्न को ये बनाएगा। और कल आपको या परसों बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा पैटर्न आपको 27,600 तक का दिखा सकता है, जो इसका ऊपर लेवल है 27,563 ये क्रॉस भी कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि ये आपको इस कैंडल को फॉलो करे और
ये तो अभी आज आज देखेंगे आज क्या हुआ। 27,373 पे ओपन हुआ, हाई बना था 100 पॉइंट, यहाँ से 174, 474 बना था 100 पॉइंट ऊपर, वहाँ से फिर 27,280 मैंने 200 पॉइंट नीचे जाता है, और फिर वहाँ से 280 से 20 पॉइंट ऊपर लेकर के क्लोज कर देता है। तो ओवरऑल ओपनिंग और डिफरेंस क्लोजिंग में देखें इनडिसिसिव टाइप का पैटर्न है। 27,373 पे ओपन होता है, 304 पे क्लोज होता है, जहाँ ओपन होता है वहीं क्लोज होता है। तो इसकी क्लोजिंग 195 है, उससे ऊपर की ओर है, ये एक पॉजिटिव बात है। तो वापस यहाँ पे भी क्या करेगा, यहाँ पे भी यही पैटर्न को, ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करेगा और ऊपर की ओर जाएगा और फिर नीचे करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस कैंडल को फॉलो करने की कोशिश करेगा, या इस कैंडल को, और इस कैंडल से भी ऊपर है ये, तो ये कैंडल आ गया, न्यूट्रल भी हो सकता है। कल के डेट में आपको न्यूट्रल ये कैंडल फॉलो करता है तो न्यूट्रल भी दिखा सकता है आपको। लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी में पॉजिटिव बाइंग करना चाहिए आपको। अब एक बार डेरिवेटिव में पोजीशन देख लें, डेरिवेटिव में ये बैंक निफ्टी है और ये आइशर मोटर तो हो गया। तो निफ्टी में देखिए क्या कर रहा है अभी, निफ्टी 10,776, तो एट द मनी पहले देख लें 10,750, 10,750 पे क्या कर रहा है, 10,750 पे यहाँ पे अनवाइंड कर रहा है कॉल की और पुट की और राइटिंग कर रहा है, एडिशन कर रहा है, और वापस 10,700 पे बाइंग कर रहा है, 10,800 पे भी बाइंग कर रहा है, कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब 10,800 पे भी अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है इसको, और 10,700 पे भी सपोर्ट बन रहा है। तो अच्छा खासा सपोर्ट इधर की ओर हो रहा है, और कॉल कॉल किस पुट की और कॉल की और देखें तो 850 माइनर है और 900 पे अनवाइंड हो रहा है, अनवाइंड हो रहा है, और जो भी शॉर्ट किया हुआ पोजीशन होगा या प्रॉफिट होगा वो निकाल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब 11,000 पे कॉल राइटिंग हो रही है, तो अभी छोटा सा लगता है ऐसा कि स्पीड में कोई बढ़ने वाला ये नहीं है अभी निफ्टी। तो 10,900 तक अब कल का टारगेट मान सकते हैं, जो है 750 है, 750 से 900 ये रेंज में कल निफ्टी 50 रहेगा। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 31 जनवरी का जाके देखें 27,300 एट द मनी, 27,300 एट द मनी में अनवाइंड हो रहा है, यहाँ पे कॉल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और यहाँ पे भी अनवाइंड हो रहा है, 27,300 पे दोनों साइड में अनवाइंड हो रहा है, इधर भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। वॉल्यूम देखे तो इसको 10,000 है, यहाँ पे 11,000 है, 27 इसके लो हाई वॉल्यूम देखे तो 27,000 पे 5,65,000 का कॉल में है ओपन इंटरेस्ट, और पुट में 7 लाख है, तो पुट की ओर ज़्यादा सपोर्ट है, तो नीचे मार्केट ऊपर की ओर ही संभावना है। और 27,500 पे देखे तो 27,500 पे भी पुट पे ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ से भी देखें तो आपको पुट की संभावना, लेकिन यहाँ से भी अब कॉल राइटिंग चालू हो गया है, तो जहाँ सपोर्ट था वहाँ से अनवाइंड हो गया, वहाँ राइटिंग हो रहा है, लेकिन माइनर राइटिंग हो रहा है, बहुत बड़ा राइटिंग नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। तो हो सकता है कि ये बढ़ते समय आपको तुरंत टूट जाए, बहुत ज़्यादा नहीं हो लगे, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, पुट की और सपोर्ट की और वॉल्यूम ज़्यादा है। 27,000 पे 38,000 का हुआ है, 27,200 पे 14,200 का हुआ है, 27,500 पे 14,960 का हुआ है, और अगर 10 तारीख का देख लें जो कि अब रिसेंट आएगा, 10 सबसे पहले जो आएगा करंट वाला आएगा, यहाँ पे पता चल रहा है कि आपको एडिशन हो रहा है, हर लेवल पे एडिशन हो रहा है, 27,500 800 सब पे कॉल पे एडिशन हो रहा है, कॉल राइटिंग हो रही है, और इधर पुट राइटिंग हो रही है, यहाँ पे भी पुट राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग भी हो रही है, पुट राइटिंग भी हो रही है, दोनों साइड से राइटिंग चल रहा है, सेल्स करके बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से शॉर्टिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर एट द मनी देखे 27,300 पे तो 24,000 का हुआ, लेकिन पुट ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है, 2,13,000 यूनिट से पुट को शॉर्ट किया गया है, तो कॉल की और संभावना ज्यादा है ऊपर जाने की, और पुट की और कम है। 27,400 पे देखेंगे तो 1,79,000 से शॉर्ट किया जा रहा है, जबकि यहाँ 44,000 से शॉर्ट किया जा रहा है। 27,500 पे यहाँ पे बढ़ गया 1,79,000, 1,24,000 वहां घट गया, मैं 27,500 के ऊपर ज्यादा इधर आ रही है कॉल की और शॉर्टिंग और सो रही है, और पुट की 27,500 तक का एक बार लगता है टारगेट, तो आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद कल के पोजिशन जो रहेंगे। लेकिन अगर कल की बात नहीं करो, आगे की बात करो,
एक बार 2700 पहले ये दिखाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए बहुत ही असमंजस। आप देखिए दोनों तरफ अगर पोजीशन एक जैसा बन रहा हो तो कल का कॉशियस डिसीजन है। नहीं भी ट्रेड एक दिन करेंगे तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो कल की कोई पोजिशन की क्लैरिटी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी अगर किसी को ट्रेड करना हो, पेपर ट्रेडिंग करना हो, तो कॉल की ओर करें और फिर बाद में पुट की ओर करें। आपको दोनों तरफ देखने को पोजीशन मिलेगा। कॉल पुट जब ऊपर चला जाए तो नीचे ले लीजिए, तो दोनों साइड में आपको कॉल पुट में पोजीशन देखने को मिल सकता है। आज 7 तारीख है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन कोई भी डायरेक्ट मार्केट में पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो दिया गया है और आपके ये इंट्राडे पर्पज से बैंक निफ्टी और निफ्टी पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।